हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हिना। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम एंड अदर स्टेट नर्सिंग एग्जाम्स। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको अलर्ट कर दूं, यस दिस इज रेड अलर्ट, कि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ चुका है। कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ चुका है, ये आपको दिमाग में गांठ बांध लेनी है कि हमें अब पढ़ना है। बच्चों को मैंने इस बार जब मैं बहुत एनालाइज किया है, उसमें बच्चों को था कि मैम नीट से तो इजी पेपर आएगा, हमें थोड़ा इजी मॉक टेस्ट दो, इजी मॉक टेस्ट दो। तो मैं कह बता दूं, आपकी प्रिपरेशन अगर आप इस तरीके से करोगे कि हमें तो बस इजी इजी पढ़ना है, ऐसा नहीं होगा। अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो आपको पढ़ाई अपनी लेवल अच्छा ही रखना है। अगर अपना लेवल अच्छा रखोगे तो जो इजी चीज़ आएगी ना पेपर में, वो आप फटाफट कर दोगे। ठीक है, तो ये सोचोगे कि नर्सिंग तो बहुत इजी है, नर्सिंग का पेपर ही बहुत इजी आएगा, तो फिर तो आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आप एक अच्छी सीट, एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में सीट भी एम्स ले लो या दिल्ली के जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेज सेंट्रल कॉलेजेस हैं, नहीं आपकी सीट सिक्योर हो पाएगी। ठीक है, जो कितने सारे कॉलेज हैं आपके नीट के बेसिस पे मार्क्स, जो नीट के बेसिस पर ही एडमिशन लेते हैं, उनकी भी कट ऑफ कितनी हाई जाने लगी है अब। तो आपको अगर उनमें भी एडमिशन लेना है, एम्स में नहीं उनमें भी एडमिशन लेना है, तब भी आपको नीट में भी अच्छे मार्क्स चाहिए। तो प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप नीट में भी अगर आपको नर्सिंग ही करनी है तो इतने मार्क्स आ जाए कि आपका मन पसंदीदा कॉलेज आपको मिल जाए फर्स्ट राउंड में। एम्स चाहिए तब भी आपके इतने मार्क्स आ जाए कि आपका मन पसंदीदा एम्स आपको मिल जाए। ठीक है, तो प्रिपरेशन, और अभी हमारे पास बहुत टाइम है। मैम कितना टाइम है? 8 मंथ्स है अभी हमारे पास। तो अभी से हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, अभी से हम हर टॉपिक पर ध्यान देंगे, अपने वीक पॉइंट्स पर ध्यान देंगे, तो ज़रूर रिजल्ट हमारा 2024 में बहुत ही अच्छा जो है निकल कर आएगा। अब मैं ये बताना चाहूँगी, ये मैं डाटा के साथ आपके साथ बात करना चाहूँगी, तो आपको थोड़ा और यकीन होगा कि इस बार एम्स में जो राउंड सेकेंड में कितनी लास्ट कट ऑफ पर, कितनी लास्ट रैंक पर किसी को कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, हम रैंक पर बात मैं आपको बता दूंगी, उसके साथ मैं मार्क्स भी बताऊंगी कितने मार्क्स। कंपटीशन हर साल बढ़ता है, तो जो मार्क्स मैं अभी आपको बताऊंगी उससे ज़्यादा मार्क्स का आपको रखना है कि इतने मार्क्स आपको चाहिए, तब जाकर आपको कोई कॉलेज मिलेगा। वो भी ये लास्ट रैंक है, कौन से कॉलेज मिल रहे होंगे इस पे जिनकी कट ऑफ कम गई होगी। कट ऑफ इन्हीं कम जाती है जो साउथ साइड में से मंगलागिरी हो गया, डियोगर हो गया, इन सारे कॉलेजेस की रैंक कम जाती है। और अब ये सोच लो जिनकी अच्छी कट ऑफ गई है तो उनके मार्क्स कितने होंगे, जो अच्छे कॉलेजेस हैं दिल्ली जोधपुर ऋषिकेश, तो इन सब इन कॉलेजेस के जो मार्क्स हैं उनकी कट ऑफ कितनी हाई गई होगी। तो ये डिफरेंस है कि अब कंपटीशन जो है बढ़ चुका है। मैं बार बार एक ही वर्ड बोल रहा हूँ, आप सोचोगे कि मैम बार बार एक ही वर्ड क्यों बोल रही हूँ, कंपटीशन बढ़ चुका है, कुछ और बताओ, क्योंकि सच में बढ़ चुका है। सिर्फ यही नहीं, आगे भी अब बहुत है। तो अब एक बार देख लेते हैं हमारा जो पूरा डाटा है, मैं हर बार आपको पता ही है अपनी डायरी में लिख लेती हूँ। तो हमारी जनरल कैटेगरी से सेकेंड राउंड में जो लास्ट रैंक 1327 पर मिला था, जिनके मार्क्स 62.667 से, यहाँ पे पॉइंट का भी फर्क पड़ेगा बड़ा। ठीक है, कितने सारे बच्चों के सेम मार्क्स होते हैं, वो आपको पता है ना डिफरेंस किससे आता है, कि बायो में किसके ज़्यादा है, फिर फिजिक्स में किसके ज़्यादा है, ऐसे करके जो पूरा बनता है। तो एक एक मार्क्स से सेम मार्क्स होने पर भी इतना जो फर्क पड़ जाता है, 100-100 रैंक आपकी पीछे जा सकती है। तो जनरल कैटेगरी वालों को जिसका ये 62.667 मार्क्स थे, 62 मार्क्स इन्हें एम्स मंगलागिरी मिला था, तो अब सोच लो ये एकदम लास्ट है, मतलब कि दिल्ली कितने पर मिला होगा, ऋषिकेश कितने पर मिला होगा। तो आपको जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं, आप अब जब पढ़ाई का अपना एम बनाएंगे तो कितने का बनाएंगे, 70, 75, 80, मैं तो कहूँ 75 और 80 का बनाओ। ठीक है, ये जो अभी 62 दिख रहा है, कोई नहीं बोल सकता कि नेक्स्ट ईयर क्या पता ही 70 हो जाए। धीरे धीरे अब ये भी 100 out of 100 की जो सब नीट में होने लगा ना, 720 out of 720, तो इसमें भी अभी देर नहीं है, 100 out of 100 वाली चीज़ आने लग जाएगी। तो आपको इसमें जो जनरल कैटेगरी वाले हमारे बच्चे हैं उन्हें कितना रखना है कि हमें तो 80 मार्क्स, आप 80 मार्क्स का गोल रखो, तब जाके 70-75 आएंगे। ठीक है, तब जाके अपनी सीट सिक्योर करोगे। अब वो 50 वाला कुछ नहीं रहा, पहले होता था कि 55 आ जाएंगे मेरा सीट सिक्योर है, बल्कि मैंने इस बार जब वीडियो बनाई थी मैंने कहा था कि हो जाएगा, बट इस बार इतना ज़्यादा चेंज नहीं था, नहीं मतलब सोचा था कि इतना चेंज हो जाएगा, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, बट हुआ है। ओबीसी वालों की जो 2006 लास्ट रैंक पे मिला था और उनके मार्क्स थे 58.667, 58 मार्क्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, ये भी बिल्कुल लास्ट कॉलेज है 58 पे मिलने वाला, तो हाई कॉलेज सोच लो
कितना है, 4 नंबर का तो अंतर है, 4 नंबर का अंतर है जनरल कैटेगरी से। तो आप लोग भी 75 का टारगेट बिल्कुल बनाकर चलेंगे, 75-80 ये हमारा टारगेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी को थोड़ा कम पेस पर मिला है, तो जिसके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो आप बनवा सकते हो, आपको बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उनको उनको 4,346 रैंक मार्क्स 50 मार्क्स पर ईडब्ल्यूएस वालों को मिल गया है, मतलब ओबीसी से कितना कम है ना, तो उनके लिए बहुत फायदा है ईडब्ल्यूएस वालों को। एससी वालों को 4,948 मार्क्स, ठीक है, एससी वालों को 48 मार्क्स, बल्कि पहले पिछले साल तक कब कितने मिल जाता था, 40 मार्क्स पर मिल जाता था। और एसटी कैटेगरी वालों को इस बार 7870 लास्ट रैंक गई है, 41 मार्क्स, 41 मार्क्स, ठीक है, इसमें भी पहले 30 लाइन में पहुंच जाता था। तो इस बार ये जो हमारा बिल्कुल डाटा आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये पूरा डाटा जो है इतने मार्क्स इस कैटेगरी वालों को लास्ट सेकेंड राउंड में मिला है, अभी ओपन राउंड का नहीं है, ये सेकेंड राउंड का है। तो मेरा मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आप तो 2024 के एक्सपीरियंस हैं, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपकी आंखें खुले और आपको पता चले कि पढ़ाई आपको नर्सिंग के लिए करनी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत इजी हो जाएगा, नहीं, आपको अपनी तैयारी बिल्कुल यहाँ रखनी है, जिससे कि आपके जो छोटक मोटक जितने भी अदर पेपर्स होंगे ना वो यूँ निकल जाए। और अपना टारगेट अब आपको 100 में से 80 का रखना है, कितने का रखना है, 80 का रखना है, क्योंकि जितना हम सोचते हैं उतना होता नहीं है, नेगेटिव हम जितना भी कंट्रोल कर ले नेगेटिव होगा ही, एक एंट्रेंस एग्जाम है, क्योंकि हमारा जब हम उस 3 घंटे जो दो एक 1.5 घंटे में जाके करते हैं ना, उस टाइम हमारा क्या दिमाग चल रहा होता है, हमारी क्या मेंटेलिटी, हमारी कोई हेल्थ, मतलब बहुत चीज़ें उस टाइम पे इफेक्ट करती हैं हमारे एग्जाम पर, ठीक है। तो हमारी जितनी भी अच्छी प्रिपरेशन है उसके बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, तो इसलिए अभी आप 80 का टारगेट रखोगे तब जाके आपको 70-75 कुछ आएंगे, ठीक है, तब जाके आप कहोगे कि हाँ मेरी सीट एम्स में पक्की होगी। तो ये पूरा ओवरव्यू था, जो मेरा मन था कि मैं आपको बताऊं, आप तैयारी करने से पहले एक बार अपने आपको मोटिवेट करो, जरूरी है, क्योंकि सच में कंपटीशन अब बहुत बढ़ गया है, ठीक है, और कंपटीशन हमेशा बढ़ता ही है, कभी कम नहीं होता। कुछ साल पहले तक जिनकी कट ऑफ इतनी कम जाती थी, अब इतनी कट ऑफ इतनी हाई जा रही है। तो यही था कि मुझे आपको बताना था, कोई रेड अलर्ट देना था कि अब ऐसी ये सोच के कि हो जाएगा, इतने से पढ़ के हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आप सोचते हो कि नीट से कम पढ़ेंगे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कंपटीशन बहुत है, ठीक है। अब आपको पढ़ना यहाँ है, यहाँ नहीं पढ़ना, यहाँ पढ़ना है, ओके। अब हम देख लेते हैं, ये तो था मतलब कॉम्पिटिशन क्या बढ़ गया बढ़ गया, अब आगे अलग बात कर लेते हैं कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। मैं पढ़ाई आपको बता दूं, अभी मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ, नहीं तो मैंने सोचा था, क्योंकि आप लोगों के बहुत कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि मैम आप कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करवाओगे, तो एज आ मतलब पूरी प्रिपरेशन नहीं, बट मैं आपको टेस्ट सीरीज एक तो प्रोवाइड कराऊंगी। लास्ट हमारा एग्जाम कब होता है एम्स का, जून में होता है, तो अप्रैल और मई 2 मंथ की मेरे पास हमारी जो टेस्ट सीरीज आने वाली है, जिसमें आपको 20-20 टेस्ट मिलेंगे, उसकी प्रिपरेशन मतलब अभी से बहुत अच्छे पेपर्स जो अभी से बन रहे हैं, ये कंफर्म है, एक टेस्ट सीरीज आएगी आपकी, ठीक है। उससे पहले आपके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज विद सॉल्यूशन कराए जाएंगे, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि मतलब मैं करवा रही हूँ, किसी किसी में करवा दिया करूँगी, बट लेकिन ऐसा होगा कि क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करा जा रहे हैं, ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज आएगी, तो ये होगा आपका अक्टूबर, अक्टूबर में हम अक्टूबर के मंथ में स्टार्ट कर दूंगी, देखते हैं मिड से या एंड से करते हैं, ठीक है। तो आप ये मैं सोच रहे कि बस क्वांटिटी मतलब बहुत सारे कराते रहो क्वेश्चंस, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी क्वालिटी क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी, ओके। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अपना शेड्यूल आज से बनाना है कि आप एक हफ्ते में कितने अपने चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आपके पास अदर जो भी आपने बुक्स ले रखी है, मैंने ऑलरेडी पहले वीडियोस बनाई है कि ये सारी बुक्स आप ले सकते हैं, तो आप उनमें से कोई बुक्स परचेज कर लीजिए, अगर अभी तक आपने नहीं करी है तो टाइम वेस्ट करने का कोई नहीं है, ठीक है, टाइम वेस्ट करने का मौका नहीं है। अगर आप अगले साल जनवरी में सर्च कर रहे हैं कि हाउ टू क्रैक नीट या हाउ टू क्रैक एम्स इन 2-3 मंथ्स, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप तैयारी आज से करेंगे तब जाके आपका पेपर क्लियर होगा। कितने बच्चों की कितने बच्चे मेहनत करते हैं, उनका नहीं हो पाता, ठीक है, तो फिर आप 2 महीने में करके आपका भी नहीं होगा, ठीक है। किस्मत मैटर करती है, बट मेहनत, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो कोई किस्मत मैटर नहीं करेगी। तो यही थी बात, एक चीज मुझे बतानी थी, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, मार्क्स मैंने बता दिए कितने का आपको टारगेट रखना है, दूसरी बात थी कि बुक्स नहीं खरीदे तो बुक्स खरीद लो और अपनी तैयारी क्वेश्चन आज से शुरू करो, तीसरी बात टेस्ट सीरीज आएगी लास्ट 2 मंथ्स में, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज होने वाली है, तो अभी से आपका कोर्स खत्म होगा तब जाके आप टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर करेंगे। टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर करोगे तो समझ लेना कि
अच्छा है, मतलब रिजल्ट भी आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि इस बार बच्चों ने जो मेरी टेस्ट, दो टेस्ट करवाए थे मैंने, मतलब उनमें जितने भी अच्छा स्कोर कर रहे थे उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। बाकी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हाँ, कुछ टाइम बाद, मतलब अभी मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ, तो 1 to 2 months बाद मैं आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी आपको शायद प्रोवाइड कराऊँ, वो यूट्यूब पर ही प्रोवाइड कराऊँगी, या देखते हैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराऊँगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। बाकी ये देखो, इतनी सारी प्रिपरेशन सिर्फ एम्स के लिए नहीं चल रही है, कि हमारे सारे नर्सिंग एग्जाम्स के लिए हो रही है, जितने भी अदर स्टेट नर्सिंग कॉलेजेस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं हमारे सब के लिए। तो ये पूरा नर्सिंग में आपको एडमिशन लेना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल सही इन्फो, अभी तक तो बिल्कुल एम्स में था कि एम्स एम्स एम्स, बट अब हर जगह पूरी ऑल जो भी नॉलेज है, जो भी इन्फो है, वो इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। कोई भी फॉर्म निकलेगा, कोई भी पेपर आएगा, सब सारी इन्फो आपको सब प्रोवाइड कराई जाएगी। तो विदाउट एनी डिले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और स्टे ट्यून, ठीक है? सो बी मोट स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी, एंड लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।